रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इन शिक्षकों को पिछले 35 सालों से कोई प्रमोशन नहीं मिला है। ऐसे 23 शिक्षक रिटायर हो गए हैं और 10 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए 1987 में 51 शिक्षकों की बहाली की गई थी। रांची विश्वविद्यालय के पीजी और विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाने का काम करते हुए 35 बरस बीत चुके हैं। इन 35 वर्षों में शिक्षकों को एक भी प्रोन्नति नहीं मिली है। यह अब भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही काम कर रहे हैं। इन शिक्षकों को यह समझ नहीं आ रहा कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रति विश्वविद्यालय और मानव संसाधन विभाग प्रमोशन देने के मामले में चुप क्यों बैठा है। प्रोन्नति क्यों नहीं मिलती हमें भी समझ में नहीं आता। तब जबकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि इन्हें प्रोन्नति दी जाए। अभी जो माननीय राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो रिजुलेशन पास कर दी, आदेश कर दी इन्हें प्रोन्नति दी जाए, फिर भी हमें प्रोन्नति नहीं मिली। तो हम आप कैसे आवेदन करें इन सब पदों के लिए। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई काफी संख्या में विद्यार्थी करते हैं। इन भाषाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के मन में पीड़ा होती है और अपने आप से यह सवाल पूछते हैं कि आखिर हमारा दोष क्या है। डॉक्टर सविता केसरी बताती हैं कि आर्थिक नुकसान के साथ साथ कुलपति और प्रिंसिपल पद में बहाली के लिए आवेदन भी नहीं दे सकते। 35 वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन तो 10 साल के बाद ही मिल जाना चाहिए, लेकिन मुझे कारण नहीं पता कि क्यों प्रमोशन हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और चूंकि प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए हम लोग ऊंचे पद पर हम लोग नहीं जा पाते हैं और आवेदन नहीं कर पाते हैं। ऊंचे पद कहने का मतलब है न हम लोग वाइस चांसलर के लिए दे पाते हैं, ना प्रतिकुलपति के लिए, और ना प्रचार के पद पर हम लोग जा सकते हैं। ये सब का पीछे कारण है प्रोन्नति का नहीं मिलना। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के शिक्षकों की समस्या का समाधान कब होगा? अब अधिकांश शिक्षक सेवानिवृत्त के करीब पहुंच गए हैं, जबकि दूसरे राज्यों में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को समय पर प्रमोशन मिलता है। ऐसे में इनकी नजरें सरकार पर टिकी हैं। देखना है कि इनकी समस्याओं का समाधान कब तक होगा। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन रोहन के साथ अंजनी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।